किसी क्रिकेट मैच में नहीं होता है, क्योंकि एग्जैक्टली हमें बाय हमें अच्छा लगता है कि कैसे दुश्मन मुल्क जो है उनको कैसे पछाड़ा जाए, उसे मजा है। ठीक है, देखा वो चीज है। देखा। सुनो, मेरी बात सुनिए, अभी आपने बोला स्टैंडर्ड, तो मेरी स्टैंडर्ड बात की सुनिए ना। दुश्मनी, अगर दोस्ती स्टैंडर्ड की होती है तो दुश्मनी भी तो डूड स्टैंडर्ड की होनी चाहिए ना। क्यों लड़की भी मैं फिर उसका आंसर पाकिस्तान से मैं दुश्मनी निकाल दो ये फितूर दिमाग से? देखिए देखिए मैं आंसर पाकिस्तान के पास है कि जो हम उनको चिढ़ाएंगे, अगर वो इंडिया से आगे होते देन हम चिढ़ाने की कोशिश करते। पाकिस्तान तो पता नहीं कहाँ पे है, हम तो उसको कहीं पे ले ही नहीं रहे है ना। आप देख लीजिए कि आपने बोला पाकिस्तान के पास है ही क्या? पाकिस्तान के पास इतने अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, पाकिस्तान के पास इतनी पेट्रियाटिक आवाम है, पाकिस्तान के पास सबसे बढ़ के न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान के पास ओके पाकारनी है। और क्या चाहिए ठीक पाकिस्तान में आपको? ज़रख़ैज़ है, ज़मीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, हमारे पास हमारा आजाद कश्मीर है, क्या चाहते हैं और आप? ये ना आजादी आपने ली पाकिस्तान की, ठीक है, जो जिस हिस्से को आप आज कह रहे हो ना कि आजाद कश्मीर, वो आपका हिस्सा है नहीं। लेट मी क्लियर, वो पाकिस्तान का हिस्सा न था, न है, न कभी होगा। आपने उसको ऑक्यूपाई किया है। ये बात आप बोलिए कि आपने जो आजादी ली है वो आपने इस्लामाबाद की ली है, वो आपने लाहौर की ली है, वो आपने मुल्तान की ली है, वो आपने फैसलाबाद के लिए। वो जो हमारा हिस्सा वहां पे गिलगित बलोचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, वो हमारा हिस्सा था, हमारा है, हमारा रहेगा। एंड सेकंड थिंग, आपने कहा कि जिन्ना ने आजादी ली माइनॉरिटीज पे ये तशद्दुद हो रहा था, पत्थरबाजी हो रही। मुझे बताइए आपकी माइनॉरिटीज किस एंगल से वहां पे सेफ है? आप तो अपने मुस्लिम भाइयों को भी नहीं बख्श रहे हो, जो शिया कम्युनिटी वहां पे है, जो मुस्लिम्स है। चलो मैं माइनॉरिटीज की बात छोड़ता हूँ, पाकिस्तान से ना हमें कोई फर्क पड़ता था, ना पड़ता है, ना पड़ेगा। पाकिस्तान कहीं वजूद में है ही नहीं। G20 से उनको बाहर न थे कभी हिस्सा, ना होंगे, ना कभी रहेंगे। छोड़िए पाकिस्तान को बाहर। ये बात गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया को पाकिस्तान से फर्क ना पड़े। जितना फर्क पाकिस्तान को इंडिया से पड़ता है, इतना ही इंडिया को भी पाकिस्तान से पड़ता है। ये बात माननी पड़ेगी आपको। मैं G20 समिट मीटिंग यहाँ पे हुई, पाकिस्तान को क्यों नहीं रास आया, पाकिस्तान को क्यों मिर्ची लगी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर पाकिस्तान अपने ईमान पे होता, उसके हुक्मरान ईमान पे होते, आपकी आर्मी, ये क्या नाम है उनका, आर्मी आपकी ईमान पे होती, बिलावल भुट्टो कश्मीर क्या, इंडिया क्या करने आए, गोवा क्या करने कश्मीर आए, कश्मीर करने, कश्मीर गोवा कश्मीर करने। कश्मीर कश्मीर, उनको तो कोई पूछता भी नहीं है, उनको तो अपने लोग ट्रॉल करते हैं बिलो रानी को, तो कश्मीर की तो अभी टेरर नहीं आई ना। जब कश्मीर ट्रॉल करने पे आएगा, मुझे नहीं लगता है कि बिलावल भुट्टो सुबह अपने बेड से उठ पाएंगे। ये सुन लीजिए महवी जी, कहेंगे चाइना से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें। नहीं, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं ना। चाइना और पाकिस्तान, आपको मैंने लास्ट इंटरव्यू में कहा था, शायद आपको याद होगा, एक ही थाली के चटे बटे। अब बताएंगे आप क्यों? सीपैक किसका चल रहा है पाकिस्तान में? चाइना का चल रहा है ना। मुझे बताएं, कश्मीर में इस वक्त बहुत ज्यादा बोलबाला चल रहा है G20 का, और इसमें एक मेजर पार्ट जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, एक तो सिक्योरिटी को लेके पाकिस्तान का नाम था, और दूसरा सबसे बड़ी चीज थी टूरिज्म को प्रमोट करना। किस नजर से देख रहे हैं वहां पे इस चीज को? क्या इस पे वर्किंग हो रही है, या इन फ्यूचर क्या गोल सेट होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए महवी जी, आपने दो बातें बोली, एक तो सिक्योरिटी की बोली एंड सेकंड थिंग इज G20। फर्स्टली लेट मी क्लियर कि G20 जो समिट मीटिंग यहाँ से 2 दिनों से चल रही है, इतिहास रचा गया जम्मू कश्मीर से। ठीक है, पहली बार कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में स्पेशली श्रीनगर में Top 20 countries ने कदम रखा और उनके चेहरे जो है खुशी से खिल उठे। और उसके साथ एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ, 2019 से पहले आपने भी देखा होगा, हम सब ने देखा होगा, हर एक इस हालात से वाकिफ है। 2019 से पहले जब लोग सड़कों पे निकलते थे, जब बच्चे सड़कों पे निकलते थे, वो क्या करने के लिए निकलते थे? वो प्रदर्शन करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए निकलते थे, या पत्थरबाजी करने के लिए निकलते थे। लेकिन आज कल की बात करूंगा, जब कल डेलीगेशन यहाँ पे आई, जब वो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर आई, तो लोग जो है सड़कों अपने घरों से बाहर आके सड़कों पे उनका इंतजार कर रहे थे, तो उनका वेलकम किया गया। ये है कश्मीर की चेंज। सो जो प्रोपगंडा अभी भी आपका मुल्क चला रहा है कि कश्मीर तनाजा मुल्क है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। पहले पाकिस्तान को हक किसने दिया इसको बात करने के लिए? वो तो G20 का ना पार्ट है, कहीं ना पार्ट कहीं पे है नहीं। अब चलो ठीक है, अगर G20 के पार्ट वो होता
तो मैं भी बोलता नहीं चलो पाकिस्तान को आके बात करने का करने दीजिए। लेकिन मुझे ये बताइए, वो तो ना ए में है कहीं ना जेड में है कहीं, तो फिर पाकिस्तान को मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उनको मिर्ची क्यों लगी। अब उनकी तरफ से जो है लगातार प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तान में ऐसा है यहाँ मत जाइए, कश्मीर में ऐसा है यहाँ मत जाइए, सिक्योरिटी इश्यूज है वो है। मुझे ये बताइए, कल के वीडियोस आपने भी देखे होंगे, वायरल वीडियोस है, ट्विटर आप चेक कर लीजिए, हैशटैग वेलकम कश्मीर G20 के नाम से, आप देख लीजिए आपको क्या क्या मिलेगा वहां पे, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए सिक्योरिटी कहीं है नहीं। इससे पहले भी अगर हम बात करें, जब भी कश्मीर में कोई डेलीगेशन आती थी, चाहे हम अपने देश की डेलीगेशन की बात करें या फिर MOSS की बात करें, जब भी वो आते थे तो तब कश्मीर घाटी में क्या होता था, तब कश्मीर घाटी में स्ट्राइकर्स की कॉल हमें देखने को मिलती थी, प्रोटेस्ट देखने को मिलते थे। लेकिन आज फर्स्ट टाइम कश्मीर में जब फॉरेन डेलीगेशन आई, ना ही स्ट्राइक थी, शॉप्स खुले थे, ना कोई रेस्ट्रिक्शन थी, इंटरनेट बिल्कुल चल रहा था, 5G इंटरनेट चल रहा है, इवन मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये मोबाइल नेटवर्क में कर रहा हूँ, 5G नेटवर्क पे। तो ये डेवलपमेंट कश्मीर घाटी में हुई है, ठीक है। इससे पहले 2019 से पहले जब भी कोई डेलीगेशन यहाँ पे आई, या तो हमने कर्फ्यू देखे या तो हमने रेस्ट्रिक्शंस देखे, और उसे देखे G20 समिट मीट जो यहाँ पे हुई 2 दिन से चल रही है, उसे देखिए कश्मीर की इकोनॉमी में कितना बूस्ट मिल सकता है, वो आप अंदाजा लगाइए कि। देखिए, यहाँ मैं, यहाँ 1 मिनट, यहाँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। देखिए, इंडिया के अंदर 500 मीटिंग्स जो हैं रखी जा चुकी हैं या इन फ्यूचर होने जा रही हैं या अनकरीब हो भी रही हैं, चल भी रही हैं। बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत नामवर मीटिंग्स हैं, मगर G20 पे इतना ज्यादा जोर दे के इसको इतना हाईलाइट किया। मुझे पता है कि पाकिस्तान की वजह से इसको बहुत ज्यादा उठाया गया, मगर मैं वजह जानना चाहती हूँ कि क्या G20 को इतना ज्यादा बूस्ट करने की और कश्मीर में रखने की सिर्फ वजह पाकिस्तान को चढ़ाना थी, जो कि चढ़ गया पाकिस्तान। देखिए चिढ़ाने की बात है ही नहीं, हम तो पाकिस्तान को कहीं ले नहीं रहे, हम तो पाकिस्तान की कोई मायने रख कहीं पे है ही नहीं, हम पाकिस्तान को चिढ़ाएंगे क्यों, पाकिस्तान के पास है क्या जो हम उनको चिढ़ाएंगे। अगर वो इंडिया से आगे होते देन हम चिढ़ाने की कोशिश करते, पाकिस्तान तो पता नहीं कहाँ पे है, हम तो उसको कहीं पे ले ही नहीं रहे, है ना। आप देख लीजिए कि आपने बोला पाकिस्तान के पास है ही क्या? पाकिस्तान के पास इतने अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, पाकिस्तान के पास इतनी पेट्रियोटिक आवाम है, पाकिस्तान के पास सबसे बढ़ के न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान के पास पाक ओके आर्मी है, और क्या चाहिए ओके पाकिस्तान में आपको? जरखेज ठीक है। जमीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, हमारे पास हमारा आजाद कश्मीर है, क्या चाहते हो आप? पहले मैं लास्ट क्वेश्चन किया, जो आपने लास्ट बात बोली आजाद कश्मीर, मुझे बताइए ये आजाद कश्मीर नाम किसने रखा, ये बताइए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। आपको मैंने लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, नॉट आजाद कश्मीर। आजाद मीन्स फ्रीडम, शायद आपके गवर्नमेंट को, शायद आपकी आर्मी को, शायद आपकी ISI जो डिपार्टमेंट अब आपका सेक्टर है वहां पे, शायद उनको ये नहीं पता है आजाद का मतलब होता है फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स हर किसी लिहाज से इंसान फ्री होना चाहिए, ठीक है। मुझे बताइए किस एंगल से आपको वहां के लोग जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के फ्री लग रहे हैं, एक जगह मुझे बताइए, एक रीजन मुझे बताइए कि किस एंगल से आपको फ्री फ्री लग रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच वो वहां पे है नहीं, पाकिस्तान आर्मी वहां पे मौजूद है, पासपोर्ट जो उनका लग रहा है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट का है, ठीक है, पाकिस्तान की असेंबली वहां पे है, ठीक है, पाकिस्तान के लॉज वहां पे इंप्लीमेंट है। आप मुझे बताइए महवी जी, वो किस एंगल से आपकी सो कॉल्ड गवर्नमेंट को, सो कॉल्ड आर्मी को, सो कॉल्ड ISI स्टूजिस को वो आजाद कश्मीर लगता है, किस एंगल से, ठीक है। आजाद वो मेरी चीज है, बात सुने, आजादी वो है जो जिन्ना ने दिलवाई थी उनको, हिंदुस्तान के पथराव से बचाने के लिए, हिंदुस्तान में होने वाले जुल्म सितम से बचाने के लिए, हिंदुस्तान में जो मुसलमानों पे तशद्दुद होता था, माइनॉरिटीज पे तशद्दुद होता था, तब हिंदुस्तान सेकुलर अच्छा कंट्री मैम नहीं था, उन तमाम चीजों से मैम ठीक बचाने के लिए आजादी दी गई थी उनको। आप है उस महवी आजादी जी, को ठीक स्वीकार कर रहे है हैं? महवी जी, मुझे ये बताइए ना, आजादी आपने ली पाकिस्तान की, ठीक है, जो जिस हिस्से को आप आज कह रहे हो ना कि आजाद कश्मीर, वो आपका हिस्सा है नहीं, लेट मी क्लियर, वो पाकिस्तान का हिस्सा न था न है न कभी होगा, आपने उसको ऑक्यूपाई किया है। ये बात आप बोलिए कि आपने जो आजादी ली है वो आपने इस्लामाबाद की ली है, वो आपने लाहौर की ली है, वो आपने मुल्तान की ली है, वो आपने फैसलाबाद की ली है, वो जो हमारा हिस्सा वहां पे गिलगित बलोचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, वो हमारा हिस्सा था, हमारा है, हमारा रहेगा। एंड सेकंड थिंग, आपने कहा कि जिन्ना ने आजादी ली माइनॉरिटीज पे ये तशद्दुद हो रहा था, पत्थरबाजी हो रही, मुझे बताइए आपकी माइनॉरिटीज किस एंगल से वहां पे सेफ है,
आप तो अपने मुस्लिम भाइयों को भी नहीं बख्श रहे हो जो शिया कम्युनिटी वहां पे है, जो मुस्लिम्स है। चलो मैं माइनॉरिटीज की बात छोड़ता हूँ, मैं गैर मुस्लिम्स की बात बाद में कर लेता हूँ, पहले मैं मुस्लिम्स पे ही आता हूँ। मुस्लिम्स के इमाम बारगाह में ग्रेनेड किसने किए? बेरहमी से कुछ महीने पहले 12 टीचर्स का बेरहमी से कत्ल किसने किया? स्कूली बच्चे पेशावर में स्कूल में ब्लास्ट किसने करवाए? हिंदू पाकिस्तान के ये तमाम चीजें जो आप मेंशन कर रहे हैं ये पाकिस्तान की भी नहीं है, ये तो हिंदुस्तान ने की है, क्योंकि हिंदुस्तान तो साजिश मुल्क है, हिंदुस्तान तो हमेशा साजिश करता ठीक है। है, हिंदुस्तान ने तो ओके, ठीक तरक्की थोड़ी की है, पाकिस्तान की साजिश में वक्त जाया किया, हम देख रहे हैं। ठीक 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 है, महवी जी, हिंदुस्तान ने किया। मुझे बताइए, जब वहां पे पिशावर में बम ब्लास्ट स्कूल में हुआ, जो आतंकी मारे गए उनके पास, उनसे कौन सी आईडी रिकवर की गई? हिंदुस्तान की? जवाब वो दीजिए भी ना। प्रोपेगेंडा था जो ना, वो भी प्रोपेगेंडा प्रॉपगंडा, था। वो ही कहिए ना कि आपके अपने लोग प्रॉपगंडा कर रहे हैं और नाम जो है हिंदुस्तान पे आता है। अब आइए आप हिंदुस्तान में, अब मैं हिंदुस्तान की बात कर लेता हूँ, अपने देश की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे जो भी आतंकी मारे गए उनके पास आपकी करेंसी निकली, आपकी आपके कंट्री का आई कार्ड निकला, आपकी कंट्री के सिम कार्ड्स निकले। अब हम प्रॉपगंडा कर रहे हैं या आप लोग प्रॉपगंडा कर रहे हैं, ये देख लीजिए। ये ये तो आपकी कोई बड़ा पाकिस्तान, मसला नहीं है, ये तो कहीं से भी अवेल किया जा सकता है। हमारे वहां भी इंडिया का नोट मिल जाएगा आपको, कहाँ पे इंडिया पे? हमारे अच्छा वहां भी ठीक है, इंडिया का नोट नोट मिल जाएगा, कोई बड़ा ठीक है, मसला नोट नहीं मिल है। जाएगा, ठीक है, नोट मिल जाएगा। जो जो वहां पे आपके आपके एंड से आतंकी मारे गए, चाहे पेशावर स्कूल की बात करें या उस टाइम जो खुद जिम्मेवारी जो है वो ली है टीटीपी ने, वो तो तहरीकी तालिबान आप ही की तो वो है ना, पार्ट एंड पार्सल ऑर्गेनाइजेशन, दहशतगर्दी की ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो तो इंडिया की नहीं ना है। यहाँ पे जैश मोहम्मद के मिलिटेंट मारे गए, यहाँ पे लश्कर ए तैयबा के आतंकी मारे गए, यहाँ पे हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट मारे गए। वो कहाँ के थे? वो तो पाकिस्तान के थे ना, पाकिस्तान ओरिजिन के थे ना। हमारे पास पिक्चर्स है, हमारे पास फुल डिटेल्स है कौन आतंकी कहाँ पे रहता था। अब मुझे ये बताइए, आपके पाकिस्तान में जितने भी आज तक बम ब्लास्ट हुए, जितने भी गोलियां चली, वो किसने चलाई? मुझे आप एक इंडियन ओरिजिन वहां पे नासिर जी मुझे एक दिखाइए। बात बताएं, नासिर जी मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान कोई भी बंदा कहीं पे आतंकवादी निकल आए, किसी के पास असला बरामद हो जाए, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, दहशतगर्दी में पकड़ा जाए, तो उसको टैग लगा दिया जाता है पाकिस्तानी का। और कहीं अगर कोई किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, किसी अच्छे ओहदे पे फाइज हो जाए, कहीं का सीईओ लग जाए, तो उस पर टैग लग जाता है हिंदुस्तान का। क्या वाकई ऐसा है या ये सिर्फ बातें हैं? चलिए ठीक है, मुझे बताइए, जो आप कह रही है कि टैग लग जाता है पाकिस्तान का, तो आज मुझे लगता है कि आपके जो हुक्मरान हैं, जो मेरे ख्याल से इलिटरेट है, आपकी आर्मी जो है वो शायद मेरे ख्याल से इलिटरेट है। दैट्स वाई कि उनको लगता है कि किसी को पकड़ते हैं तो बस पाकिस्तान का नाम लो, वो पकड़ते। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे उसके पास ओरिजिन है, पूरी पूरी डिटेल्स है, यहाँ पे जो आतंकी मारे गए, आप मुझे बताइए। ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान ने आजादी ली, पाकिस्तान अलग मुल्क था। आप मुझे बताइए कश्मीर कहाँ से उनका हुआ? कश्मीर की बात क्यों हुई? कश्मीर में उन्होंने बॉर्डर से आतंकी नहीं भेजे, 90s में उन्होंने आतंकी नहीं नासिर जी भेजे, मेरी बात कबाली सुनिए, कुछ उन्होंने साल नहीं पहले भेजे। अगर हम आठ साल पहले अगर हम आठ मैं भी साल जल्द हो, पहले मेरी बात सुनिए, आठ मैं भी साल जस्ट पहले की होल्ड मैं ऑन, बात होल्ड सुनिए ऑन, आप। मैं भी लेट मी आंसर फर्स्ट। कबाली आपके साइड से नहीं आए? कबालियों ने कश्मीर पे हमला नहीं किया, मुसलमानों के साथ नरसंहार नहीं किया, यहाँ की इज्जतें उन्होंने नहीं लूटी? वो कौन थे? वो बांग्लादेश साल से आए पहले हुए थे, कश्मीरी वो शिमला, पाकिस्तान पाकिस्तान का नारा क्यों लगाते थे फिर? आज कौन? हिंदुस्तान हिंदुस्तान कह रहे हैं, आठ साल पहले कश्मीरी पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों करते थे फिर? मैं हमें पाकिस्तान बताऊंगा, चाहिए, हमें मदद चाहिए, तब ये जुबान थी, आज क्यों मैं बदल ठीक गई? है, जुबान किसी की नहीं बदली है। मुसलमान के पास ईमान होता है, ईमान एक ही होता है, ईमान बदलेगा ना, जो जिसका ईमान बदलेगा वो मुसलमान है नहीं। पाकिस्तान करने वाले, अगर आपके कहने पे, आपके आपके मुताबिक जो आप मुझे कह रही हो, जब पाकिस्तान पाकिस्तान यहाँ पे हो रहा था, मुझे आज क्यों नहीं पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा है? ये कॉमन सेंस है। अगर मैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान कर रहा हूँ, मैं आज भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान करूंगा, कल भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान करूंगा, मरने के दम तक हिंदुस्तान हिंदुस्तान करूंगा। दैट मीन्स कि मेरे पास एक ईमान है। अब देख लीजिए, आप आपकी बात का आंसर सुन लीजिए। पाकिस्तान के पास पैसा था, पैसा यहाँ भेजा जाता था, उनके अलगावादी नेता यहाँ पे थे, उनके आतंकी यहाँ पे थे, उनके वेल विशर्स यहाँ पे थे, उनको वहां से फंड आता था कि कश्मीर में कैसे अमन जो है बिगाड़ा जाए, कश्मीर में जो डेवलपमेंट है उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए वो पैसा इस्तेमाल होता। 2019, 4 अगस्त 2019 से लेकर अभी तक, मुझे महवी जी आप एक नारा दिखाइए कश्मीर में, एक पत्थर मारने वाला दिखाइए, एक अलगावादी नेता दिखाइए,
ये सब कुछ अलगाववादी और आतंकवादी के वजह से हो रहा था, जिस पे यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने शिकंजा कसा। आज हर एक अलगाववादी नेता जेलों में बंद है। आज मुझे बताइए, आज यहाँ के लोग क्यों नहीं निकल रहे? चलो ठीक है, अगर अगर यहाँ कश्मीर की आवाम आप लोगों के साथ, ये एज पर यू आप कह रही हो, ठीक है, अलगाववादी नेता आपके 4 या 5 आपके समर्थन थे, सईद शाह गिलानी था, यासिर मलिक था, शेबीर शाह था, वो तो जेलों में बंद है, बाकी आवाम कहाँ गई? वो क्या वो भी जेलों में बंद है? वो क्यों नहीं सड़कों पे निकल रहे हैं? वो क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे? वो क्यों नहीं पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे? आज आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही नारा सुनाई देगा, वो है भारत माता की जय। मुझे आज एक बात तिरंगा बताए, आपको ना सिर्फ मिलेगा। ये आज इंडिया ने हर पाकिस्तान के स्पेशली खिलाफ जाके, चाइना भी नहीं आया, पाकिस्तान भी नहीं आया, जिसपे हिंदुस्तान ने अपनी जुबान खोलते हुए ये जवाब दिया कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान और चाइना आए, मतलब इन्वॉल्व हो नहीं हो, जो भी प्रोपोगंडा करें हम बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते इनको। ठीक देखिए है, यहाँ तक जवाब समझ आ गया, मगर आने वाले तमाम कंट्रीज को कश्मीर विजिट करवाने का क्या देखिए, मैं इसका आंसर आपको कर लेता हूं। पहली बात यह है, पाकिस्तान से ना हमें कोई फर्क पड़ता था, ना पड़ता है, ना पड़ेगा। पाकिस्तान कहीं वजूद में है ही नहीं। G20 से उनको बाहर न थे कभी हिस्सा, ना होंगे, ना कभी रहेंगे। छोड़िए पाकिस्तान को सर? बाहर। ये बात गलत है, ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया को पाकिस्तान से फर्क ना पड़े। जितना फर्क पाकिस्तान को इंडिया से पड़ता है, इतना ही इंडिया को भी पाकिस्तान से पड़ता है, ये बात माननी पड़ेगी आंसर आपको। सुनिए, मैं भी जी आंसर सुन लीजिए, पाकिस्तान को क्यों इंडिया से फर्क पड़ता है और इंडिया को क्यों नहीं पाकिस्तान से फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, इंडिया को भी पड़ता है, मुझे आपको आंसर एग्री मुझे करनी पड़ेगी मुझे बात, इंडिया मुझे को भी मुझे पड़ता मुझे है। पहले मुझे लेट मी कंप्लीट, मेरा आंसर कंप्लीट होगा उसके बाद आप बताइए, ठीक है। इंसान को फर्क पड़ेगा उस इंसान से जो उससे एक कदम आगे होगा, ठीक है। मुझे अगर महवीर जी से फर्क पड़ रहा है, खुद दैट मीन्स महवीर जी का स्टेटस जो है वो मुझसे ऊपर है। मैं महवीर जी से तब जेलस हो जाऊंगा जब मैं महवीर जी के पास 5G नेटवर्क, 6G नेटवर्क देखूंगा, जब मैं महवीर जी के पास BMW कार देखूंगा, जब मैं महवीर जी के पास ऑडी कार देखूंगा। पाकिस्तान के पास तो आटा नहीं है, पाकिस्तान के पास चावल नहीं है। अब मुझे बताओ इंडिया को फर्क क्यों पड़ेगा? पहला आंसर। सेकेंड आंसर, पाकिस्तान को क्यों फर्क पड़ रहा है अब इंडिया से? आप देख लीजिए, यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट है वो इंडिया में हुई, टूरिज्म उरूज पर है, रिलीजियस टूरिज्म वो भी स्टार्ट हुआ, LOC टूरिज्म वो भी स्टार्ट हुआ, फिल्म टूरिज्म वो भी स्टार्ट हुआ। स्पेशली मैं आपको एक 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 फिगर एक बता एक ग्राफ एक बता देता हूँ। 2021 to 2023, दैट्स 2 years, एम आई राइट? 300 से जायद वेब सीरीज कश्मीर में बनी, 300 से जायद वेब सीरीज कश्मीर में बनी, जिसमें बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान भी शामिल हुए। कश्मीर में उन्होंने अपनी फिल्म शूट की। फेमस सिंगर आदित्य नारायण यहाँ पे आए, फीमेल सिंगर बॉलीवुड के रिचा शर्मा वो कश्मीर आए, इंडियन सारेगामा पा विनर सलमान अली खान वो यहाँ पे आए, और बताइए AR रहमान जी यहाँ पे आए। कितने नाम गिनवाऊं? नासिर जी, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं आपकी इन बातों से सहमत हूँ, लेकिन आपने एक बात कही कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा, बीइंग अ पार्ट ऑफ यूथ, आज भी अगर आप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच देखें, बहुत छोटी सी बात है, क्रिकेट का मैच भी देखें ना, तो जितना दुख हिंदुस्तान को पाकिस्तान से हारने का और जितनी खुशी पाकिस्तान से जीतने की होती है, शायद किसी दूसरे मैच में नहीं होती। तो कहीं ना शायद कहीं दिमाग में कॉम्पिटिशन है ना, कहीं ना दिमाग में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया चलता है ना, वही चीज है, वही चीज है, वो खत्म हो पा रही है जिस लेट मी तरीके से आंसर, हम काम कर रहे हैं। इन ए सिंगल लाइन। शायद मेरे ख्याल से आप 2 दिन पीछे हो, ट्विटर चेक कर लीजिए, आपका पेसर मोहम्मद आमिर, उसका ट्वीट चेक कर लीजिए, उसने क्या लिखा? ट्वीट चेक किया? विराट कोहली की जम के तारीफें आपका पेसर मोहम्मद आमिर कर रहा है, जमकर तारीफें कर रहा है विराट कोहली की। प्लेयर प्लेयर है, क्योंकि वो प्लेयर है, मुझे बताएं, बाबर आजम और विराट कोहली दोनों इतने लीडिंग प्लेयर्स हैं, दोनों कितना प्यार से देखिए, गले पहले मिल रहे होते हैं, रूम में पहले इकट्ठे रह रहे होते हैं, ठीक कितना ठीक प्यार है, बट मैं भी जी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम जस्ट टॉकिंग, आई एम जस्ट लेट मी आंसर लेट मी क्वेश्चनिंग आंसर कि लेट मी व्हाई आंसर लेट मी ऑलवेज आंसर लेट पाकिस्तान मी वर्सेस इंडिया इज देयर, मतलब वो, मैं ये सिर्फ कंफर्म करना चाह रही हूँ आपसे कि हमारे ही देखिए दिमागों में नहीं है, वो आप लोगों के दिमागों में भी है, जो आप देखिए डिनाई देखिए कर रहे हो मैं उस भी बात से। देखिए मैंने डिने कोई बात नहीं की। देखिए इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी होता था, जब भी होगा, तो लोग प्रेफर करते हैं ज्यादा से ज्यादा देखे, ठीक है। उस मैच में जो मजा होता है वो किसी क्रिकेट मैच में नहीं होता है, क्योंकि बट हमें हमें अच्छा लगता है कि कैसे दुश्मन
दुश्मन के जैसे दुश्मन मुल्क जो है उनको कैसे पछाड़ा जाए, उसे मजा है। ठीक है, वो देखा चीज है। देखा, सुनो मेरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात, अभी मेरी बात, आपने बोला मेरी बात सुनिए, स्टैंडर्ड, तो मेरी स्टैंडर्ड बात की सुनिए ना। दुश्मनी, अगर दोस्ती स्टैंडर्ड की होती है तो दुश्मनी भी तो डूड स्टैंडर्ड की होनी चाहिए ना। क्यों रखी मैं मेरे उसका आंसर, पाकिस्तान से मैं दुश्मनी, निकाल दो ये फितूर दिमाग से। देखिए देखिए मैं जी मैं आंसर बताऊंगा क्यों, मैं बताऊंगा आपको क्यों। आप देख लीजिए क्रिकेट पे पॉलिटिक्स पाकिस्तान खेल रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट पे पॉलिटिक्स पाकिस्तान खेल रहा है, ठीक है, सिचुएशन पे पॉलिटिक्स पाकिस्तान खेल रहा है। देखिए मुझे मुझे पाकिस्तान के पास और कोई काम है नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर पाकिस्तान हर किसी चीज से देखिए पॉलिटिक्स क्यों कर रहा है। G20 समिट मीटिंग यहाँ पे हुई, पाकिस्तान को क्यों नहीं रास है, पाकिस्तान को क्यों मिर्ची लगी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर पाकिस्तान अपने ईमान पे होता, उसके हुक्मरान ईमान पे होते, आपकी आर्मी, ये क्या नाम है उनका, आर्मी आपकी ईमान पे होती, बिलावल भुट्टो कश्मीर क्या, इंडिया क्या करने आए, गोवा क्या करने कश्मीर आए, कश्मीर करने, कश्मीर गोवा कश्मीर करने, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, उनको तो कोई पूछता भी नहीं है, उनको तो अपने लोग ट्रॉल करते हैं बिलो रानी को, तो कश्मीर की तो अभी टेरर नहीं आई ना। जब कश्मीर ट्रॉल करने पे आएगा, मुझे नहीं लगता है कि बिलावल भुट्टो सुबह अपने बेड से उठ पाएंगे। ये सुन लीजिए महवी जी, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा। इंडिया ने क्रिस्टल क्लियर आंसर आपको किया है 2014 में कि जब तक पाकिस्तान में टेररिज्म खत्म नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान से के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। आप देख लीजिए, मुझे अभी तक बताइए कि किस लीडर ने अभी तक पाकिस्तान को इन्वाइट किया किसी बात के लिए, या इंडिया ने माना कभी नहीं। पाकिस्तान तो कर रहा था कश्मीर कश्मीर, चलो मैं मानता हूँ फॉर टाइम भी, आप ही का मान, आप ही का कहना मानता हूँ, फॉर टाइम हम मानते हैं कि पाकिस्तान जो है वेल विशर है कश्मीर का। मुझे महवी जी आप एक चीज बताइए कि उन्होंने पाकिस्तान कश्मीर की आवाम के लिए, आपके पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, आपकी पाकिस्तान की आर्मी ने, आपकी पाकिस्तान टेररिस्ट IS ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एक चीज मुझे सर बताइए। कश्मीर के लिए मेरी बात सुने, कश्मीर के लिए क्या करना था जिन्होंने अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। अब आते हैं दूसरे सवाल पे जो के था कश्मीर के अंदर अभी करंटली G20 समिट के दौरान जो विजिट करवाया गया, टूर करवाया गया पूरे कश्मीर का तमाम G20 के मेंबर्स को, उसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है अपकमिंग कश्मीर के ऊपर और कश्मीरी यूथ के ऊपर? देखिए ये पहले पहले फख्र की बात है पूरे देश के लिए, उसके साथ साथ कश्मीर में, कि कश्मीर के लोगों को जो है ऐसी मीटिंग जो है, ऐसी समिट जो है यहाँ पे मुनाकिद हुई। आप देख लीजिए पिछले साल की अगर आप बात करेंगे, पिछले साल 1.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो खाली इंडिया के आए हुए हैं। इंडिया से 1.5 करोड़ टूरिस्ट ने एक साल विजिट किया कश्मीर में। पिछले साल अगर कश्मीर में अगर देखें, होटल होटल जो है फुली पैक थे, कहीं पे वैकेंसी नहीं थी, 4 4 महीने पहले एडवांस बुकिंग हुई थी। लेकिन इस बार जो ग्रैप है वो हमें खाली नेशनल टूरिस्ट, जो हमें अपने देश के टूरिस्ट है जो देश के अन्य राज्यों में रहते हैं, वो 2 करोड़ के पार चला जाएगा। अब जब फॉरेन विजिटर्स यहाँ पे आएंगे, उसे देख लीजिए आप महवी जी, कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जब यहाँ पे आएंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हमारे साथ शेयर होंगे, हम भी उनको पॉइंट ऑफ व्यूज अपने शेयर करेंगे, उसे देख लीजिए इकोनॉमिकली पहले कितना बूस्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ यहाँ की जो डेवलपमेंट है, मुझे लगता है कि मैं कश्मीर में नहीं रहता हूँ, मैं स्विट्जरलैंड में रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे रोड्स बनाए गए हैं, ऐसी मैग्नेटाइजेशन रोड्स की है, ऐसी लाइटिंग फैसिलिटी बनाई गई है। आपको मैं याद दिला दूं महवी जी, यहाँ पे जो शॉप, एक पोलो भी मार्केट था, आज से 50 या 60 साल पहले जो मार्केट था वो नंबर 1 मार्केट माना जाता था लाल चौक का। वहां पे क्या होता था, वहां पे जो भी विजिटर आता था, स्पेशली यहाँ पे ज्यादा फ्लो जो रहता था आज से 50 या 60 साल पहले फॉरेन विजिटर्स का रहता था, तो वो मार्केट जो है 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात तक खुला रहता था। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने अपनी आतंकी जड़े यहाँ पे मजबूत की, अलगाववाद की जड़े यहाँ पे मजबूत की, तो वो मार्केट जो महवी जी है 5 या 6 बजे वो बंद होता था। आप देख लीजिए अंतर कितना है, 50 साल पहले 2 बजे बंद होना, फिर आज परसों तक 6 बजे बंद होना। लेकिन आज वही मार्केट महवी जी वायरलेस मार्केट बना है कश्मीर में, जहां पे कोई तार आपको दिखेगी नहीं, वॉकिंग मार्केट है, ठीक है, लाइटिंग सिस्टम है, साइकिलिंग के लिए पॉइंट है साइकिल लवर्स के लिए, एंड आज वो मार्केट आपका 10 बजे भी खुला रहता है, 11 बजे तक लोग वहां पे बैठे होते हैं, 12 बजे तक लोग वहां पे सेल्फीज उठाते रहते हैं। आप यूट्यूब चेक कर लीजिए, आप जो ट्विटर चेक कर लीजिए, आपको विजुअल्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये देख लीजिए ये उन हालातों में और इन हालातों में अंतर कितना। आज जितने भी देखिए, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं भी दिन में
यूसुस के साथ उठता हूँ, मेरी भी बातें होती है, मुझे भी रिपोर्ट आगे करना होता है। लेकिन जितनी बात मेरी युवाओं के साथ, स्पेशल यूथ के साथ हुई है, उनकी सोच जो है कितनी बदल चुकी है। आज युवा मान रहा है कि नहीं, अब हम पत्थरबाजी से कुछ नहीं मिला, पाकिस्तान ने हमें कुछ नहीं दिया, वो प्रोपगंडा कर रहे थे, प्रोपगंडा कर रहे। आज पाकिस्तान को यहाँ का युवा ठुकरा रहा है, यहाँ का युवा रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ की युवा की जो सोच अब है वो बिल्कुल बदल चुकी है। आज युवा चाहता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, विकास हो, और उसके साथ साथ आप देख लीजिए, जो युवा कल तक 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था, आपने कभी सुना है रैप सॉन्ग्स, जो रैप सॉन्ग्स गाते, आज वो भी पोलो व्यू मार्केट में, मैंने खुद वो शूट किया है, मैंने खुद उस पर रिपोर्ट किया है कि आज वो 8 बजे 9 बजे के करीब वहां पे बैठे थे, रैप सॉन्ग्स गा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे निकल रहे थे, मैं इवन फीमेल जो बुजुर्ग औरतें हैं वो निकल रही है, वो आज बैठ रही है वहां पे। आप देख लीजिए कि कितनी फर्क आई तब जब आतंक और अलगावाद पे शिकंजा कसा गया, ये फर्क है आज इंडिया, यहाँ ना हमारे कश्मीर में, इंडिया के कश्मीर में। उसके साथ साथ आप देख लीजिए, कल भी कल के वीडियोज आप देख लीजिए, जो डेलीगेशन यहाँ पे आई उनके चेहरे जो है खुशी से कैसे खिल उठे। शिकारा राइड भी कल हुआ, आज ओपनली वो घूम रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, पोलो व्यू मार्केट परसों इनोग्रेट किया गया, वहां पे भी वो जा रहे हैं, रिवर जहलीम फ्लैट रिनोवेट किया गया, वहां पे भी वो जा रहे हैं। अब मुझे बताइए महवी जी, अब अगर हम उस पड़ोसी मुल्क की बात करें, जो पड़ोसी मुल्क कहीं है ही नहीं, ना उसका नाम है ना कहीं निशान है, ना उससे मुकाबला या उसको जेलस करने के लिए किसके पास इतना टाइम है, अगर आप नंबर टू पे होते मेरी बात ना। सुने नासिर जी, पाकिस्तान को तो आप नहीं गिनते किसी खाते में, ना इकोनॉमी है ना पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल है आप लोगों के मुताबिक। आजाद कश्मीर भी आप लोगों का हमने लिया, वे ऑक्यूपाई किया हुआ, मतलब तमाम चीजें जो है वो कोलैप्स है। ठीक है चले ये मान लिया, चाइना के बारे में क्या कहेंगे? चाइना भी तो नहीं आया। अब आप कहेंगे चाइना से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें। नहीं, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं ना, चाइना और पाकिस्तान, आपको मैंने लास्ट इंटरव्यू में कहा था, शायद आपको याद होगा, एक ही थाली के चटे बटे। अब बताएंगे आप क्यों, सीपैक किसका चल रहा है पाकिस्तान में, चाइना का चल रहा है ना, $15 बिलियन किसने दिए रोड बनाने के लिए, पाकिस्तान चाइना ने दिया ना, तो अब तो बनता है, अब तो आपको लगता है कि चाइना आपका वो ना वो वफादार मुल्क बनेगा, कभी नहीं। चाइना को नजर है आपके जमीन पर, चाइना को नजर है आपके कंट्री पे, ठीक है, उसको आपकी जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, चाइना यहाँ नहीं आया, कश्मीर को घंटा फर्क पड़ा, इंडिया को घंटा फर्क पड़ा, यहाँ से तो ट्रेड कर रहा है ना। देखिए, अगर अगर चाइना वेल विशर होता है पाकिस्तान का, फिर इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करता, फिर बिजनेस इंडिया के साथ नहीं करता ना, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। लेकिन कोई अगर भी कंट्री किसी का वेलविशर होने से पहले जरूरी है कि वो अपना वेलविशर हो, और आज अगर चाइना अपना वेलविशर इसी वजह से ट्रेड कर रहा है, ये तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेवकूफी है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से ट्रेड ना करके खुद खसारे में जा रहा है, अपना लॉस करवा रहा है। देखिए वो सही बात है, देखिए आप देख लीजिए कि चाइना ने यहाँ पे साबित किया कि पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर जो है मुतनाज़ा मुल्क ये पार्ट है, हम वहां नहीं जाएंगे। अगर चाइना इस बात पे ठीक है, चलो मैंने माना, फिर मुझे बताइए वो इंडिया के साथ ट्रेड कैसे कर रहा है, फिर अपने जब फायदे के लिए, अपने फायदे के, दैट मीन वो अपने है ना, वो अपने फायदे के लिए, कल वो अपने फायदे के लिए फिर आपको भी यूज कर लगा, वो पाकिस्तान को भी यूज करता है ना वो। वो तो ऑब्वियसली बात है, मैं पाक चीन दोस्ती के तो फेवर में जो है ना कभी थी ना आज हूँ, क्योंकि हमेशा कोई भी मुल्क अगर बहुत ज्यादा आप पे मेहरबान हो जाए तो आपको जरूर, इंसान भी इवन कोई ज्यादा मेहरबान हो तो सोचना चाहिए कि यार ये औकात से ज्यादा क्यों दे रहा है। तो यही हालात चाइना के हैं, मगर मुझे नहीं पता लोगों को समझ आ नहीं रहा है या लोग जानबूझ के इस बात को इग्नोर करते आ रहे हैं इतने सालों से, देखिए जिस तरह इग्नोर से नहीं, मतलब ना देखिए, मैं इसका आंसर, आपके लोग इग्नोर, आपके लोग मजबूर है, आपके लोग ऑक्यूपाई है, उनको चाहिए, उनको रोड चाहिए, उनको शाम को खाना चाहिए, है ना, भूखा तो कोई सोएगा नहीं ना, कमाना तो है, आपकी कंट्री के पास क्या है, आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहाँ पे बैठे हैं, उसके